असलम डियर स्टूडेंट्स टीचर फॉर ग्रेड नाइन टूडेज टॉपिक इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ आर लास्ट टॉपिक दैट वॉज नंबर कन्वर्शन पार्ट टू सो डियर स्टूडेंट जैसे कि आपको मैंने बताया आज का लेक्चर हमारा अगेन कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर की जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट नंबर कन्वर्जन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम से जो नंबर बिलोंग करता है उसको हम डेसिमल में कैसे लेकर आते हैं हमने टू एग्जांपल्स की थी और हमने उनको वेरीफाई भी किया था डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया फिर हमने वही बाइनरी नंबर लेकर उसको दोबारा डेसीमल में लेकर आए जस्ट टू वेरीफ़ाई कि जो हमने मैथड किया है जो हमने सारी कैल्कुलेशन की हैं वो ठीक की हैं कि नहीं की आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई जो डेसिमल नंबर सिस्टम से जो नंबर में लेकर जाना है तो हम क्या प्रोसेस करते हैं? और अगेन हम वेरीफाई तो करेंगे अपने आंसर्स को उसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर सो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन जो कि कह रहा है हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जो है

हेक्साडेसिमल सिस्टम में जिसकी बेस है 16 सो so, इस बार जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे इस नंबर को लिखेंगे 826 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम वो करेंगे 16 से बिकॉज़ हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16 इसको हम अगर करेंगे तो लेट्स हैव अ लुक कि हम इसकी कन्वर्जंस कैसे करेंगे हमारे पास बचा रिमाइंडर 10 जब हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 5 से हमारे पास आंसर आया 80, 80 में से एटी हमारे पास ऊपर था उसका हमने 2 कैरी कर दिया 26 में फिर हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 1 से आया आंसर 16 और फिर 26 में 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 10, जो कि आपको नजर आ सकता है वाइट बोर्ड पर अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको जब हम डिवाइड करेंगे सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट सेज फोर्टी एट तो हमने इसको किया थ्री से और हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ रहा है थ्री की वैल्यू अब ये जो हमारा थ्री इसमें कोई फर्दर हम इसको नहीं कर सकते इसके डिवीजन नहीं कर सकते सिक्सटीन से इसी को अपना आंसर कंसिडर करेंगे और हम जाएंगे जिस तरह हमने जब बाइंड्री के डिवीजन की थी बाइंड्री में कन्वर्जन करते हुए हमने बॉटम से हम यहाँ से टॉप पर गए थे और हमने अपना आंसर लिखा था इसमें भी ऐसा ही होगा इस सूरत में हमारे पास आंसर आ रहा है थ्री थ्री और जो ये टेन है आपको पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में जब हम टेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किससे करते हैं हम आंसर क्योंकि रहे हैं हेक्साडेसिमल में तो हम इसमें अब टेन नहीं लिखेंगे बिकॉज टेन कोई नंबर नहीं है हेक्साडेसिमल में टेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं ए हेक्साडेसिमल में जब हमने टेन को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको टेन नहीं लिखते हम उसको लिखते हैं ए और इसकी बेस हमने लिख ली है सिक्सटीन सो so, ये हमारे पास आ गया है आंसर जब हमने एक डेसिमल नंबर जो कि था एट टू सिक्स उसको कन्वर्ट किया डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में तो हमारे पास आंसर आया है थ्री थ्री ए बे सिक्सटीन ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम जब हम हेक्सा डेसिमल से डेसिमल की तरफ दोबारा वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई बट बिफोर गोइंग टू दैट हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की जो कि हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल डेसीमल में लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल अब ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट सेज़ सिक्स नाइन सिक्स वन ज़ीरो बेस टेन ये हमारे पास डेसिमल नंबर है इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल उसका प्रोसेस आपको पता है जैसे हमने पहली एग्जाम्पल में किया था हम करेंगे डिविज़न इसकी सिक्सटीन से सिक्सटीन को जब हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है हमारे पास सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को हमारे पास 69 था मीन्स के 5 हमने साथ कैरी कर दिया फिर 16 को आप करके मल्टीप्लाई देखेंगे 3 से हमारे पास आत, आंसर आता है 48 तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आप देखें हम हमारी साथ में चली गई वैल्यू 81 अब हम 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके देखें दैट इज़ 80 अगेन वैल्यू कैरी हो गई हम 10 जो हमारा वो है किसी पर भी नहीं जाता इसलिए जीरो और यहाँ पर वैल्यू आ गई टेन की हमारे पास रिमाइंडर बचा टेन आई होप डिविज़न करना आप सबको आता है अभी तक आपकी मैथ्स में अपनी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि कर डिवीज़न करना बहुत अच्छे से आती है इसलिए हम इसको इन डिटेल इतना नहीं देखेंगे कि डिवीजन को हम कैसे कर रहे हैं अब 16 को आप 2 से करेंगे फिर आप 7 से करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू इट विथ वन और हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है फोर्टीन अगेन इसको हमने करना है 16 से रिमाइंडर इज जीरो हमने की डिवीजन जब हमने सिक्स नाइन सिक्स वन जीरो को डिवाइड किया सिक्सटीन से तो ये हमारे पास आया गेंद हम जैसे हमने पहले वाली एग्जाम्पल में कहा है बॉटम टू टॉप जाएंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या बना वन जीरो अब हम क्योंकि एग्जा डेसीमल में कन्वर्ट कर रहे हैं जो फिफ्टीन है उसको हम एज़ इन फिफ्टीन नहीं लिखेंगे एग्जा डेसीमल में फिफ्टीन किस अल्फ़ाबेट को रिप्रजेंट करता है दैट इज एफ हमने लिखा एफ ऊपर है फोर्टीन हेक्साडेसिमल में 14 को एज इज़ हम नहीं लिख सकते फोर्टीन रिप्रेजेंट करता है अल्फा बेट ई को हेक्साडेसिमल में ई e आ गया लास्टली वी हैव रिप्रेजेंट्स ए तो दैट इज आर आंसर वन जीरो 16 ये है हमारे पास आंसर जब हमने इस नंबर को जो कि हमारे पास दिया हुआ था सिक्स नाइन सिक्स वन जीरो का डेसिमल नंबर था ये इसको हमने कन्वर्ट किया हैगजा डेसिमल में तो हमारे पास आंसर आया वन जीरो एफ ई ए बे सिक्सटीन हमने दो एग्जांपल्स की हैं डेसिमल टू हेक्गजा डेसीमल की कन्वर्जन के लिए अब हम इनको वेरीफाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी वेरीफिकेशन की थी इन्हीं दो नंबर्स को जो आंसर्स आए हैं इन्हीं दो आंसर्स को जो कहे एग्जा डेसिमल में है इनको अगेन हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और चेक करेंगे कि क्या वही आंसर आ रहा है जो आना चाहिए था कि नहीं सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल सो ये स्टूडेंट्स ये था हमारे फर्स्ट कन्वर्जन का आंसर थ्री थ्री ए बे सिक्सटीन इसको हमने कन्वर्ट करना है अब डेसिमल सिस्टम में वापस से प्रोसेस वही है जिस तरह हमने जब बाइनरी से डेसिमल में गए थे जो प्रोसेस किया था वही बट वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे हर डिजिट को टू से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन से बिकॉज हम हैगजा की बात कर रहे हैं सो लेट्स बिगन कि हम इसको कैसे करते हैं सबसे पहले हमारे पास है थ्री इसको मल्टीप्लाई करना है हमने सिक्सटीन से प्लस थ्री अगेन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन प्लस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ ए का मतलब क्या है टेन इसको मल्टीप्लाई अगेन सिक्सटीन से और फिर जिस तरह हमने वहाँ पर पावर्स दी थी, थी उसी तरह हम यहाँ पर भी पावर देंगे एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सिक्सटीन की वैल्यू पावर जीरो वन एंड टू अब देखते हैं हम जब 16 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है सेवन सिक्स एट प्लस थ्री इंटू सिक्सटीन दैट इज़ फोर्टी एट प्लस हमने बताया था आपको जब किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होती है वो नंबर बन जाता है वन अब यहाँ पर 10 इंटू सिक्सटीन डेज टू पार जीरो है मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई वन दैट बिकम्स 10 फर्दर इसको एडिशन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर आ रहा है 8 2 6 और इसकी बेस बन गई 10 बिकॉज ये कन्वर्ट हो गया है डेसिमल में अगर आपको याद हो यही वो नंबर था जिसको हमने एग्जा डेसेमल में कन्वर्ट करके आंसर लाए थे थ्री थ्री ए बेस सिक्सटीन वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो हमने कन्वर्जन किया है वो ठीक हुई है कि नहीं हमने उसी नंबर को उठाया एग्जैट डेसीमल के नंबर थ्री थ्री ए बेस सिक्सटीन और उसको हमने कन्वर्ट किया दोबारा डेसिमल में तो सेम वही आंसर आ गया एट टू सिक्स बेस टेन मीन्स कि ये वाला मेथड हमने सही तरीके से कर लिया है ये वाली जो कन्वर्जन थी इस नंबर की वो हमने बिल्कुल ठीक की है अब हम उस दूसरी एग्जाम्पल को देखेंगे जो हमने की थी और चेक करेंगे वेरीफाई करेंगे क्या वो प्रोसेस हमने ठीक किया था कन्वर्जन का कि नहीं लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट सो रे स्टूडेंट्स ये था वो नंबर जो हमारा आंसर आया था जब हमने डेसिमल नंबर को एग्जाम में कन्वर्ट किया था दैट इज वन जीरो एफ ई ए बे सिक्सटीन हमने वेरीफाई करना है और हमने कन्वर्जन भी चेक कर लेनी है कि साथ ही हम देख लेंगे एग्जा डेसीमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस आपको पता है जैसे पहली एग्जाम्पल में हमने किया था मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन से वन मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन प्लस एफ एफ किसको इंटिकेट करता है हमारे एग्जा डेसीमल में जब हम उसको कन्वर्ट करें डेसीमल दैट इज़ फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन प्लस ई ई होता है फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन और ए मीन्स टेन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन अगेन यहाँ से हम इसकी पावर देना शुरू करेंगे सिक्सटीन को यहाँ पर आएगी ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर ये हमने दे दी पावर्स अब हम कैलकुलेशंस करेंगे सिक्सटीन को फोर टाइम्स सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करें और फिर जब उसको जो आंसर आएगा उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे मीन सेम ही रहेगा दैट इज सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स प्लस ज़ीरो हो जाएगा प्लस सिक्सटीन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमने जब फिफ्टीन से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया थ्री एट फोर जीरो प्लस फोर्टीन इंटू सिक्सटीन दैट मेक्स इट टू टू फोर प्लस टेन अब हम जब इन सब को कैलकुलेट करेंगे इन सब को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर जो आ रहा है दैट से सिक्स नाइन Six, one, zero, base, ten. याद हो अगर आपको जब हमने कन्वर्जन की थी डेसिमल नंबर की तो वो यही था सिक्स नाइन सिक्स वन जीरो इसको हमने कन्वर्ट किया था हेक्सर डेमल में जो कि बना था वन जीरो एफ ई ए हमने उसको रिवर्स दोबारा हेक्सर डेमल से डेसिमल में लेकर आए हैं जस्ट टू चेक कि जो हमने वेरीफिक हमने जो प्रोसेस किया था कन्वर्जन का वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ हमने दोनों एग्जाम्पल को वेरीफाई कर लिया और हमने मैथड भी सीख लिया साथ ही साथ ही so, सो ये तो थी आज की हमारे एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा था एग्जा डेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से एग्जा डेसीमल में हमने कैसे कन्वर्जन करनी है और साथ ही साथ हमने कर ली वेरीफिकेशन सो डियर स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होगा एमसीक्यू जो कि आपसे पूछ क्या रहा है कह रहा है विच नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंड जीरो वो कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है सिर्फ जीरोस और वन्स पर ऑप्शन है आपके पास डेसिमल हेक्सा डेसिमल बाइनरी या फिर ऑक्टल इन चार डीवी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन अगर आपको याद हो हमने ये चारों नंबर सिस्टम्स को देखा था कि कौन कौन सा नंबर सिस्टम किन किन नंबर पे कंसिस्ट करता है कहाँ से कहाँ तक उनकी रेंज है नंबर्स की सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री बाइनरी Binary is the number system that consists of zeros and ones. Next MCQ that is on your screen. That says, Aap se kya hai, MCQ? Keh raha hai, which language is understood by the computer? Computer kaun si language ko actually samajhta hai? Options hai mai paas binary language? Middle level, high level, interview options mein se kaun si hai correct option? This is a very... बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगी कौन सी है वो लैंग्वेज ऑप्शन लैंग्वेज बाइंड्री लैंग्वेजर द नेक्स्ट एम सी क्यूट इज ऑन स्क्रीन सीज विच नंबर सिस्टम हैज बेस टेन हमने जो नंबर सिस्टम चार नंबर सिस्टम्स पढ़े थे डिस्कस किए थे उनमें से वो कौन सा नंबर सिस्टम था जिसकी बेस थी टेन ऑप्शन है आपके पास बाइंड्री डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल इन चार डीवी ऑप्शन में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन दैट इज राइट ऑप्शन नंबर टू दैट से अगर आपको याद हो हमारे पास बेस आती थी टेन बिकॉज इसमें टोटल टेन डिजिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जीरो टू नाइन जो कि बन जाते हैं टेन सो डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस टेन द नेक्स्ट एम सी क्यू दैट इज ऑन स्क्रीन सेज डिजिटल कंप्यूटर्स स्टोर डेटा इन डैश फॉर्म डिजिटल कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं ऑप्शंस हैं हमारे पास नोमरिक डेसिमल ऑक्टल या फिर बाइनरी। इन चार दीवी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन वेरी इजी एमसीक्यू। डिजिटल कंप्यूटर्स स्टोर डेटा

डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं नंबर को किस से ताकि हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आ जाए ऑप्शंस हैं आपके पास एट सिक्सटीन टू या फिर ट्वेल्व टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी गौर करना है आपने हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं किससे डिवाइड करते हैं नंबर को वी डिवाइड द नंबर बाय टू मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हम डेसिमल नंबर से बाइनरी में जा रहे हैं बाइनरी क्योंकि टू ही पर बेस करता है जीरोज और वन मतलब कि उसमें दो ही डिजिट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी बेस टू ही होती है तो हम डिवाइड करेंगे नंबर को टू से बहुत केयरफुली आपने पढ़ना और समझना है इस एम सी क्यू को बिकॉज कन्फ्यूज हो सकते हैं कि हम किस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप गलत नंबर भी लिख सकते हैं बट द करेक्ट नंबर इज टू बिकॉज हम डेसिमल नंबर को बाइंड्री में कन्वर्ट कर रहे हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आज के लेक्चर में हमने चेक किया कि जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं नंबर की वो हमने की डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डेसीमल एंड अगेन हेगाडेसिमल टू डेसिमल हमने दो दो एग्जाम्पल्स की और फिर हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमने जो भी मैथड यूज़ किया है कन्वर्जन का क्या वो ठीक है कि नहीं मैथड मोरलेस सेम ही था जिस तरह हमने डेसीमल टू बाइंड्री में जब हम गए थे तो हमने डिविजन की और उसको टू से डिवाइड किया यहाँ पर जब हम है डेसीमल से हेक्जा डेसीमल में आए तो हमने सिक्सटीन लिया बिकॉज हेक्जा डेसीमल की जो बेस है वो है सिक्सटीन फिर जब हेग्जा डेसिमल से डेसिमल में गए तो हमने जो पावर थी उसको हमने देखा कि उसी तरह की जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में वापस गए थे बट बाइनरी में हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे थे दिए हुए आंसर को यहाँ पर हम सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर रहे थे अगेन द रीज़न एज बाइनरी में बेस टू होती है और हेक्साडेसिमल में बेस सिक्सटीन होती है आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा मेन वाइल जब तक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें डिफरेंट नंबर्स लें उनकी प्रैक्टिस करें फिर उनको वेरीफाई करें कोई भी डेसिमल नंबर उठाएं उसको हेक्जा डेसीमल में कन्वर्ट करें और फिर उस दिए हुए आंसर को जो आपका हेग्जा डेसीमल में आया है उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें ताकि आपका प्रोसेस वेरीफाई हो जाए आपका मैथड वेरीफाई हो जाए प्रैक्टिस करते रहें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे इस कन्वर्जन में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज